नमस्कार जी, मैं विंध्याचल ठाकुर रंगेस्ट्रो से, और आज आपको बताने जा रहा हूँ काइट सिंबल यानी कि पतंग के चिन्ह के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारा पाम है, इस पे हमारे सारे माउंट्स लोकेटेड हैं। तो पहले माउंट्स को जान लेते हैं। ये हमारा इंडेक्स फिंगर के नीचे वाला माउंट जो है ये जुपिटर का है यानी कि गुरु का। ये नीचे वाला जो मिडिल फिंगर के नीचे है मध्यमा उंगली के नीचे, ये हमारा शनि यानी सैटर्न का है। ये हमारे रिंग फिंगर के नीचे जो है ये शनि यानी सूर्य का है। और ये बेबी फिंगर के नीचे जो है मरकरी यानी कि बुध का है। ये मंगल, मार्स वन, मार्स टू, इसके अलावा मून, इसके अलावा वीनस, इसके अलावा दो छाया ग्रह राहु एंड केतु। अब जो आपका चिन्ह जिसके बारे में हम बताने वाले हैं, जो काइट का चिन्ह होता है यानी कि पतंग जैसी आकृति जो हमें दिखती है, वो मुख्य तौर पे कहाँ दिखती है? तो पतंग की आकृति मुख्य तौर पे दो ग्रहों पे दिखती है। उसमें सबसे पहला है जुपिटर यानी कि गुरु का, और दूसरा है सन यानी कि सूर्य का। इन दोनों पे उसकी स्थिति ज्यादा से ज्यादा मामलों में आती है और यहीं पे दिखती है। तो सबसे पहले जो सवाल उठेगा वो ये उठता है कि आखिर उसे हम पहचाने कैसे, क्योंकि काफी सिमिलरिटीज होती है उसमें और आपके मत्स्य चिन्ह में यानी कि फिश सिंबल में। फिश और काइट का चिन्ह काफी हद तक आपको एक जैसा लग सकता है। तो चलिए पहले उसको क्लियर कर ले कि कैसी आकृति को हम मत्स्य का चिन्ह करते हैं और कैसे को हम सूर्य का सॉरी काइट का सिंबल कहते हैं। तो सबसे पहले बेसिक ये है कि मत्स्य का चिन्ह आपको अगर एक केतु के ऊपरी क्षेत्र को छोड़ के और कहीं भी अगर दिखे ना, तो सबसे पहले इसके लिए निश्चिंत हो जाओ कि उसका कोई प्रभाव नहीं होना है। ठीक है, बुरा प्रभाव होगा दूसरे जगह लेकिन अच्छा प्रभाव नहीं होगा। सिर्फ यही वो क्षेत्र है जहाँ पे आपको मत्स्य का चिन्ह काम करता है, इसके अलावा कहीं भी नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ये बेसिक आप कॉन्सेप्ट जो है आपको आपके लिए क्लियर करना जरूरी था। इसके बाद अब हम आते हैं काइट के सिंबल पे। सामान्य तौर पे जो मछली का चिन्ह होता है ना, वो आपको जब भी होगी तो बीच में ये ज़्यादा उभार यहाँ पर पीछे आगे की तरफ ना होगी। ठीक है, साथ में निकलेगी ऐसे करके, एक लकीर नीचे निकल जाएगी या दूसरी थोड़ी सी ऐसे निकल जाएगी, मतलब सामान्य तौर पे इसी प्रकार की रहेगी। ठीक है ना, और जबकि काइट सिंबल की बात होगी तो इतनी लंबाई लेके वो नहीं रहती है। उसमें क्या होता है कि वो चौड़ाई ज़्यादा लेके रहती है। ठीक है, जैसे कि अभी देखो मैं ये बना रहा हूँ, ऐसे करके ऐसे करके फिर ऐसे निकले रहेगी, और दोनों तरफ से इसमें दो पूंछ इसकी निकली होगी। इसकी बीच की चौड़ाई ज़्यादा होगी, मत्स्य चिन्ह में इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, बस यही अंतर होता है। ठीक है, तो जब ऐसी परिस्थिति यहाँ पे आपको बन जाए, जब वो छोटा भी हो सकता है, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए इसे बड़ा करके बना रहा हूँ, लेकिन ये हाथों पर जब आती है तो हाथों पे बिल्कुल अलग छोटे रूप में आपको दिख सकती है। तो जब ऐसा सिंबल बने, ठीक है, जिसमें चौड़ाई ज़्यादा हो लंबाई के मुकाबले, तो ये हो जाता है काइट का सिंबल। यहाँ पे बने, यहाँ पे बने, कहीं पे भी बने, ये कभी कभी दो मुखी भी हो जाती है। ठीक है, इसके साथ भी एक दूसरी रेखा भी निकल के दो मुखी भी ये हो सकती है। तो जब ऐसा सिंबल बने तो एक काइट का सिंबल होता है, मुख्य रूप से इसी दो ग्रहों पे आपको मिलेगा। तो अब आता है क्वेश्चन जो आखिर चलो काइट का सिंबल तो आ गया, इसका प्रभाव क्या है? तो मुख्य रूप से काइट सिंबल का जो गुण है और अवगुण है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। काइट सिंबल जब भी आपके हाथों में आता है तो ये आपके भाग्योदय को और प्रबल कर देता है। इसके मुख्य रूप से दो ग्रहों पर आने के खास वजह हैं, क्योंकि ये खुद में विशिष्ट है और ये दोनों ग्रह भी अपने आप में विशिष्ट हैं। ये दोनों ग्रह संबंधित हैं आपके शौर्य, आपके नेम फेम एंड आपके लीडरशिप क्वालिटी से। अगर गुरु माउंट आदमी का अच्छा होता है, उस पर शुभ चिन्ह होते हैं, तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, उसमें ऐसे ऐसे गुण होते हैं कि दुनिया उनकी सुनती है। ऐसे लोग बड़े बड़े ऊंचे स्तर पर और ऊंची पोजीशन पर पाए जाते हैं और बड़े बड़े काम करने वाले होते हैं, बड़े नेता, बड़े बैंकर, बड़े इन्वेस्टर, बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु वगैरह ये लोग होते हैं। और इस सब होने के बाद दुनिया आपको जानती है सूर्य के कारण। ऐसी क्वालिटी, ऐसी बुद्धिजीविता यानी कि अच्छी अच्छी सोच, बहुत विशाल नेतृत्व करने की क्षमता, सब कुछ आपके पास है ना, यानी कि आपके पास ढेर सारी दौलत है, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हो तो क्या मतलब उसका रह जाता है? ठीक है, उसी तरीके से आपके पास ढेर सारे ज्ञान है, यानी कि आपका जुपिटर माउंट बहुत स्ट्रांग है, आपके पास लॉट्स ऑफ टैलेंट है, लेकिन सूर्य अगर मजबूत स्थिति में नहीं है तो ये आपको या तो उसका प्रभाव नहीं मिलेगा या सीमित क्षेत्र तक ही, सीमित स्थिति तक ही वो प्राप्त होगा, सीमित मात्रा में ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो उसके लिए, उसे बूस्ट करने के लिए, उसे फैलाने के लिए, जैसे कि मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ,
तो अगर मैं इंटरनेट से नहीं जुड़ूं तो आज के डेट में जितने भी दुनिया में लोग जानते हैं वे नहीं जान पाते, मैं सीमित क्षेत्र तक सीमित रह जाता। उसी प्रकार से ये आपका जो है ना, ये मतलब एक तरीके से मानो कि आपको फैलाने वाला है, दिखाने वाला है आपकी आपके टैलेंट को, आपके शौर्य को, आपकी ख्याति को ये बढ़ाता है, ठीक है। तो एक तरीके से आप मान ले इसे आप इंटरनेट कह ले, जो कि आपकी चीज़ों को बहुत दूर दूर तक फैला देता है, ठीक है। तो उसके लिए सूर्य की आवश्यकता होती है। तो जब सूर्य पे ऐसे निशान आ जाते हैं तो आपके अंदर जो भी है उसे बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना देता है, बहुत ही ज़्यादा फैला देता है, बहुत दूर तक आपकी ख्याति फैल जाती है, आपको नेम फेम मिलता है और आपकी पूछ बढ़ जाती है, आपके साथ इतने सारी चीजें इसके साथ आने से जुड़ जाती है। तो इसके काइट सिंबल जब भी यहां पे आ जाता है तो ये सब उसके मुख्य प्रभाव है, जिसके द्वारा आपको अपने आप संसार में वो हर एक चीजें जो कि किसी का सपना होता है वो आपको प्राप्त होने लगता है। लेकिन इसके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, जैसे कि कुछ भी अच्छी चीज होती है ना तो आदमी क्या होता है कि जो उसमें सिर्फ आप अच्छी चीज़ें देखोगे कि इसका ये लाभ है, ये लाभ है, ये लाभ है, लेकिन हर एक चीज़ों का ना कुछ घाटा भी व्यक्ति को जीवन में होता है। तो ये जब आते हैं तो इसके साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। ये जब भी आएंगे तो मंगल और शनि की स्थिति शुरुआती कुछ दिनों तक बिगड़ी हुई रहती है, ठीक है। जब भी कैट सिंबल बनेगा ये बहुत सारी स्टडी के बाद आप इसे समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये स्थितियाँ मैंने बहुत सारी जब देखने के बाद मैंने एक कॉमन उसमें देखा कि जब भी स्टार्टिंग में ये रेखा आपके यहाँ प्रेजेंट होगी तो दो स्थितियाँ सबसे पहले खराब होती है। आपके मून की स्थिति बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, मानसिक तौर पे आप एकदम फिक्स रहोगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, आप में अनुशासन बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा, आप डिटरमाइंड रहोगे हमेशा चीज़ों के प्रति, आगे आने वाली संभावनाओं को आप पहले भांप जाओगे उसके अनुसार आप रिएक्ट करने लगोगे, आप आलस्य छोड़ दोगे, आप कुछ भी मतलब इधर उधर के काम में पड़ोगे ही नहीं, आप एकदम राइट टू एक्ट एकदम बिल्कुल वही काम करोगे जिससे आपको फायदा हो, जिससे आपको आगे आपके आपका नेम फेम बढ़े। लेकिन उसी समय क्या होता है कि मंगल और शनि की स्थिति विकृत होने के कारण आप समाज में एक तरीके से अपनों से आप कट जाते हैं और ये स्थितियां आपके लिए थोड़ी दुभर हो जाती है। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके। ये ऐसा समय होता है जब आप अकेले बहुत आगे निकल जाते हो और पीछे आपके कोई नहीं रहता है। इसके साथ में आता है अवसाद और अकेलापन, जो कि आपको शुरुआती कुछ दिनों तक काफ़ी परेशान करता है, क्योंकि जब भी कॉमन एक फंडा है कि जब भी कोई सफलता की सीढ़ी चढ़ता है तो एक बंदा चढ़ता है 25 बंदे पीछे परेशान हो जाते हैं कि सामने वाला क्यों चढ़ गया सफलता की सीढ़ी, ठीक है। तो यहाँ सबकी बस वही इच्छा होती है, जनरल कॉमन ह्यूमन नेचर है कि बंदा तरक्की करे, ठीक है, लेकिन मुझसे एक कदम पीछे करे, ठीक है, आगे ना चला जाए, तरक्की जरूर करे लेकिन आगे ना जाए, वो या तो बराबर में रहे नहीं तो एक कदम पीछे रहे। तो ऐसी स्थितियां आपके साथ हो जाएंगी, कुछ अपने ही दुश्मन हो जाते हैं, कुछ अपने ही आपके लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। तो ये सब इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन ये सब शुरुआती दिनों के लिए है। ये स्थिति अगर ज़्यादा दिन तक बरकरार रही तो आपके लिए अच्छी स्थिति आ जाती है। अब इसमें क्या है कि अगर मान लो ऐसे सिंबल बन रही हो लेकिन कोई एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर से नहीं मिल रही हो तो क्या होगा, तो इसका मतलब अभी कार्य शुरू हुआ है, आप उस रास्ते पे हो, कुछ दिनों में आप वो प्राप्त कर लोगे जो आप चाहते हो। अगर ये यहाँ से मिल यहाँ पे जैसे कॉर्नर पे मिला है ना, मिल न मिल के अगर आगे की तरफ बढ़ जाए या पीछे की तरफ झुक जाए, मतलब आप सीधा देखो अपने पिछले जीवन का रिव्यू करो, पिछले कुछ दिनों में आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है जिस कारण आप सफलता पाते पाते अभी चूक गए हो और आगे आपको फिर से मिलने वाली नहीं है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना एकदम टाइम टू टाइम एक्यूरेट आपको बताती रहती है कि आप सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो दोस्तों यही था कैट सिंबल के बारे में। हाँ, इसके बारे में बताना चाहूँगा, ये कुछ रिक्वेस्ट भी इसके लिए आए थे, उसमें सबसे पहला जो रिक्वेस्ट है हमारा एक, हाँ ये हमारे जयपुर से हैं, ये जयपुर से मिश्री लाल जी, पुणे पिंपरी से हैं मिस्टर संतोष लोखंडे, इसके अलावा दिल्ली से मिस्टर टुन्ना, एंड कनाडा से हैं परेश भाई, एंड मुंबई से अमीशा बेन, ठीक है। तो इन लोगों की रिक्वेस्ट भी काफ़ी दिन से आ रही थी इसके लिए, तो चलिए आप लोग भी समझ गए। हाँ, और मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर आप कुछ लोग जो इसमें सीख रहे हो या एस्ट्रोलॉजी में आप लोग ज़्यादा रुचि रखते हो और कुछ जानना चाहते हो तो मैं रियल टाइम भी एनालाइज करता हूँ लोगों की, ठीक है, उसकी अलग प्रोसीजर है, तो उससे उसकी भी वीडियो एक दूसरे चैनल पर अपलोड होती है, उसका नाम है रंग विंध्याचल।
वहां जाके आप रियल फॉर्म एनालिसिस भी चेक कर सकते हो, देख सकते हो, उससे सीख सकते हो कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो उससे भी आपका ज्ञानवर्धन होगा और काफ़ी नई नई चीज़ें आप सीख पाएंगे। तो बिल्कुल आप विजिट करिए उस पर रंग विंध्याचल करके, वो चैनल का नेम है, ठीक है, मेरा ही है, रंगेस्ट्रो का ही वो डिवीज़न है। तो वहाँ से भी आप देखें और उसे भी लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ वहाँ भी नई कुछ सीखने को मिल सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर, राधे राधे।